देवभूमि उत्तराखंड की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको नैनीताल के होटल्स की प्राइजेस, साथ में यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, उन सभी चीजों की जानकारी दी थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड, यानी कि आप किस तरीके से नैनीताल शहर पूरा घूम सकते हैं, कितने कम बजट में घूम सकते हैं, साथ में क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हाँ, ये भी बताऊंगा आपको कि आपको मैक्सिमम कितने दिन की यहाँ पर घूमने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ताकि आगे भी आपको ऐसी घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों इस चैनल में तो सिर्फ मैं मतलब आपको बजट वगैरह बताता हूँ, किस तरीके से आप घूम सकते हैं, ये सभी चीजों की जानकारी देता हूँ, लेकिन मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पर मैंने नैनीताल के काफी सारे ब्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं। आप चाहो तो नैनीताल घूमने से पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और अगर आपको उस चैनल की भी वीडियोस पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जब आप नैनीताल घूमने आ ही रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिन की बात कर लेता हूँ, आपको कितने दिन का समय चाहिए नैनीताल घूमने के लिए। तो अगर आप नैनीताल के अंदर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने लायक, उन चीज़ों को देखना चाहते हैं, उन जगहों को देखना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि 1 दिन तो आपको पूरा नैनीताल घूमने में ही लगने वाला है। उसके बाद उसी दिन आप शाम को बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, साथ में मॉल रोड वगैरह घूम सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है सभी आसपास बने हुए हैं, और नेक्स्ट डे आप चाहें तो कैंचीधाम वगैरह जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी और दूरी वाली जगहें घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े और दिन का समय चाहिए होगा। जैसे ही आप चाहें तो यहाँ पर आकर रानीखेत जा सकते हैं, अल्मोड़ा जा सकते हैं, ये जो जगह है वो थोड़ी डिस्टेंस पर पड़ती है, तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट की, यानी कि किन ट्रांसपोर्ट से आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो नैनीताल में घूमने के लिए दोस्तों आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार से भी घूम सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पहाड़ी एरिया पर गाड़ी चलाने का, क्योंकि रोड काफी ज्यादा ऊपर नीचे वाली है और बीच बीच में यहाँ पर विजिटर्स की वजह से जाम भी लग जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मुझे एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, लेकिन मुझे यहाँ के पॉइंट्स नहीं पता, किन किन पॉइंट्स पर मुझे जाना चाहिए घूमने के लिए, तो इसके लिए आप चाहें तो वहाँ पर किसी भी ट्रेवल एजेंसी पर जा सकते हैं, जो वहाँ पर ट्रेवल एजेंसीज वगैरह बनी हुई हैं, जहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह पूछ सकते हैं, और वहाँ पर मैप्स वगैरह लगे हुए मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन पॉइंट्स की फोटो वगैरह खींच सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर डिटेल्स डाल दूंगा क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर घूमने लायक हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो वहाँ पर कोई ड्राइवर वगैरह हायर करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 से 800 रुपये पे करना पड़ेगा। कुल मिलाकर नैनीताल के अंदर अंदर 12-13 पॉइंट बने हुए हैं जिनको आप घूम सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों वहाँ पर प्राइवेट कार भी हायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक। ये सभी चार्ज दोस्तों डिपेंड करते हैं वहाँ पर आए हुए विजिटर्स पर, अगर भीड़ ज़्यादा हुई नैनीताल में तो आपको ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा, अगर भीड़ कम होगी, मतलब अगर आप कोई ऐसे सीजन में जाते हैं जिस सीजन में भीड़ कम रहती है नैनीताल में, तो उस समय सभी चीज़ों के प्राइजेस कम हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, प्राइवेट कार के चार्जेस इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस कार से घूमना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कम लोग हैं तो आप चाहें तो अल्टो वगैरह से भी घूम सकते हैं, उसके लिए चार्जेस कम हो जाते हैं, और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको बड़ी कार करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर चार्जेस बढ़ जाएंगे। प्राइवेट कार वगैरह हायर करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज और एजेंट वगैरह घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आप एजेंसीज में जाकर बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़े बहुत चार्जेस हो सकता है ज़्यादा बताए जाएँ, अगर आप प्राइवेट एजेंट वगैरह जो घूम रहे होंगे उनसे बात करते हैं तो वो लोग आपको तो चार्जेस थोड़े बहुत कम बताएंगे, लेकिन आप चाहें तो बार्गेनिंग वगैरह वहाँ पर कर सकते हैं। और हाँ, उनसे साथ में पॉइंट्स की भी बात कर लेना कि किन किन पॉइंट्स पर वो आपको घुमाएंगे, क्योंकि जब वो आपको एक बार वहाँ पर ले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके स्किप कर देते हैं वो, जो कि आप नहीं घूम पाएंगे, फिर आप बाद में आकर ये सोचेंगे कि भैया ये वाला पॉइंट्स मैंने देखा ही नहीं, तो इसलिए पहले से ही पॉइंट्स अभी देख लेना कि किन किन पॉइंट्स पर वो घुमाने वाले हैं आपको। नैनीताल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि आप घूम सकते हैं, सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल रखी है, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो पांच अगर घोड़े वोड़े सब जाओगे तो चार पांच तो बजना ही है, उसके बाद तो टाइम देखो, गाड़ी हमारी पैसे ले रहे हैं, गाड़ी हमारी टाइम आपका है। वाटरफॉल में 1 घंटा लगता है, केव गार्डन में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे हॉर्स राइडिंग लगते हैं, व्यू पॉइंट भी लगता है आधा घंटा। हाँ, कपड़े पहन के नंगे हो कि नहीं, मतलब ऐसे जिस हाल में हो आप। गाड़ी का टोल टैक्स पार्किंग सारा मेरा है, भैया को नंबर दे दिया है, जैसा डिसाइड हो बता देना, गाड़ी ही नीचे रोड पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो वहाँ पर स्कूटी और बाइक भी ले सकते हैं, जिसका पर डे का रेंट पड़ता है 500 से 1200 रुपए तक, और ये भी चार्ज डिपेंड करता है कि आप मतलब स्कूटी से घूम रहे हैं कि बाइक ले रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों, स्कूटी या बाइक कोई भी रेंट पर लेने से पहले आप वीडियो जरूर बना लेना, कोई डेंट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, और लोकेशन और प्लेसेस के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप ट्रैवलिंग एजेंसी से जाकर
मैप्स की फोटो खींच सकते हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों आसपास की जगहों पर घूमने की, अब बात करते हैं क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं नैनीताल के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के लिए काफी सारे यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं और हर पॉइंट पर चार्जेस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, सभी के चार्ज सेम रहने वाला है। अगर आप हाफ राइड लेते हैं बोटिंग की तो 320 रुपए आपको पे करना पड़ेगा पर बोट के हिसाब से, और एक बोट में मैक्सिमम 3 लोग तक जा सकते हैं। अगर आप खुद से चलाने वाली बोट लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 4 लोग जा सकते हैं, उसका चार्ज भी हाफ राइड का 320 रुपए लगता है। अगर आप फुल राइड लेना चाहते हैं तो 420 रुपए में आपको फुल राइड नैनी लेक की करने को मिलेगी, उसमें भी 3 लोग तक जा सकते हैं। अगर आप चप्पू वाली बोट लेंगे, अगर आप खुद से चलाने वाली वो डक टाइप में बोट आती हैं प्लास्टिक वाली, अगर आप वो करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 4 लोग तक जा सकते हैं। अब दोस्तों ये नैनीताल में आकर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको भीमताल या फिर नकोचीताल जाना पड़ेगा। अगर मैं पैराग्लाइडिंग के चार्जेस की बात करूँ तो 1500 रुपए से पैराग्लाइडिंग के चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं और 6500 रुपए तक जाते हैं, जिसमें अलग अलग टाइमिंग की पैराग्लाइडिंग रहती है। जैसे कि आप 4 से 10 मिनट की करना चाहते हैं तो कम चार्ज लगेगा, 15 से 25 मिनट की करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है, अगर आप 30 से 45 मिनट की राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर आप पैराग्लाइडिंग की वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आप वीडियो वगैरह बना सकते हैं। हमने दोस्तों एक ट्रैवलिंग एजेंसी पर जाकर बात की पैराग्लाइडिंग करने के लिए, तो उन्होंने ये बोला भैया पैराग्लाइडिंग का पॉइंट दूर है क्योंकि भीमताल या फिर नकोचीताल में पड़ता है, तो वहां तक जाने के लिए अलग से एक गाड़ी जाएगी, और क्योंकि हम लोग 5 लोग थे तो बड़ी गाड़ी के लिए बोला था, और पैराग्लाइडिंग पॉइंट और साथ में कुछ और जगह घुमाने का चार्ज उन्होंने 4000 रुपए अलग से बताया था। और अगर आप में से भी कोई पैराग्लाइडिंग वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए एक दिन आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग से काफी सारे पॉइंट्स और बने हुए हैं जहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, तो वो सभी पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स होंगे आपके, जिसमें 11 पॉइंट है, केव गार्डन है आपका, इको केव गार्डन कहते हैं, 12 पत्थर पॉइंट पर हॉर्स राइडिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं आप लोग, वहाँ से आएंगे आप डिफरेंट टॉप पॉइंट, उसके बाद जाएंगे नैनीताल लेक व्यू पॉइंट, ये सामने वाला लेक 1800 फीट हाइट से देखिएगा आपको मैंगो शिफ्ट, उसके बाद जाएंगे हिमालय दर्शन, वहाँ से ये देखेंगे आपको शिवालिक रेंज हिमालय दर्शन, लवर सोसाइट पॉइंट और बाद आलू पॉइंट आपका भवाली आएगा, कैची धाम मंदिर आएगा, नीम करोली महाराज टेम्पल, रती घाट, गरम पानी, खैरना, फिर वहाँ से यहाँ से पड़ेगा 20 किलोमीटर, कैची धाम बिल्कुल से भी कर सकते हैं आप लोग कि आप पहले कैसे धाम उखा जाओ, फिर आने के बाद यहाँ लोकल की साइट सीन करके अच्छा अपना, और 2-3 दिन है आपके पास तो उसमें कंटिन्यू कर लो आप गाड़ी, उसमें कोई नाइट चार्ज नहीं लगाएंगे हम आपको, और कौसानी का टूर करेंगे तो सब बीच में आएगा, कौसानी भी आएगा, सब आएगा। 11 पॉइंट का क्या चार्ज है? पाँच लोग बड़ी गाड़ी देंगे इसमें आप जाएंगे, क्या आएगा 3500 रुपए कम्प्लीट, सुबह 10 बजे टूरिस्ट स्टार्ट कराएगा, शाम को आराम से 4-5 बजे तक फ्री करेगा, इसमें पार्किंग वगैरह सब इंक्लूड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं रहेगा। ये पैराग्लाइडिंग का पॉइंट है, घर तक लेकर आप ही लोग जाओगे? नहीं नहीं सर, उसमें जाना आपका रहेगा। अच्छा, क्या जा रहा है उसमें? आपको दे देंगे गाड़ी, दे देंगे उसका एक्स्ट्रा पे मिलेगा। कितना रुपये? अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं आराम से टूर भी कराते हैं, टूर भी कराते हैं, कौसानी जाते हैं तो क्या क्या कवर करेंगे? धाम मंदिर, नीम करोली महाराज टेम्पल, वहाँ दर्शन करोगे, उसके बाद जाओगे रत्ती घाट, गरम पानी, खैरना, खैरना रिवर, ठीक है सर, वहाँ रिवर हो रहा है वो देखेंगे आप, ब्यूटी है वो, स्टम्प के बाद जाएंगे आप रानी के, कितना मेंबर है के सारे साइट सीन कराएंगे, उसमें बरखा रेजिमेंट आएगा आपका, रानी के गोल्फ ग्राउंड आएगा, काली का टेम्पल आएगा, सोमनाथ ग्राउंड आएगा, वहाँ का मोल रोड आएगा, और वहाँ से देखेंगे आप, ये देखेंगे आप, उसके बाद आप जाएंगे कोसी में, कोसी रिवर फ्लो हो रहा है, 1 नाइट 2 डेज का होता है, ये सब करते हुए आप जाएंगे पहले
फर्स्ट डे में कोसानी में जाके आप लोग सनसेट देखेंगे, होटल लेंगे, नाइट होल्ड करेंगे। मतलब अगर हम कल मॉर्निंग से लेके चलते हैं तो हम आप परसों शाम में शाम तक आराम से आ जाएंगे। लेकिन कोसानी नहीं देखा कुछ नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड बोला है गांधी जी ने, वो हैवी बात है। स्नो फॉल तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो ब्यूटी है, वो अपनी आप में ब्यूटी वहाँ से ही दिखेंगे आपको, शिवालिक रेंज से और करीब में दिखेंगे आप। और चीजें मिलेगी, होटल्स भी ऐसे हैं वहाँ पे कि बेल्कनी में आप बैठ के चाय पी रहे हो और सामने आपको हिमालय दिख रहा है, ऐसे होटल्स हैं वहाँ। हमारा ड्राइवर आपको गाइड कर देगा, कर सकते हैं होटल्स। और दूसरा मान लो 11 बजे करते हैं, इसके क्या चार्जेज हैं? टू व्हीलर लेते हैं तो उसमें स्कूटी का पड़ेगा आपको 700 रुपीज को फुल, जिसमें आपको अभी से हम दे देंगे गाड़ी और कल हमें आप शाम में गाड़ी से करते हैं जी, गाड़ी से फोर व्हीलर, अगर आप फोर व्हीलर से करते हैं तो इसका आएगा आपको 2200 रुपये। इसमें सब पार्किंग वगैरह सब इंक्लूड रहेगा, तो आपका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं रहेगा। आप जो बता रहे वहाँ तक जाने का आपको टूर भी करवा देंगे, क्या क्या रहेगा उसमें? भी करवा देंगे, उसमें ही आएगा आपका, यहाँ से जाएंगे कंप्लीट टूर भी हो जाएगा। अच्छा, चार्ज क्या पड़ेगा इसका? चार्ज इसका जो आएगा 4000 रुपए का होता है, कर देंगे आपके लिए 4000 रुपए गाड़ी का। इसके बाद दोस्तों नैनीताल में ही आप नैना देवी मंदिर घूम सकते हैं, मॉल रोड घूम सकते हैं, नैनीताल में जू बना हुआ है वो भी घूम सकते हैं, और कुछ दूरी पर कैंचीधाम मंदिर भी है जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल में ही गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद वगैरह भी बनी हुई है जिनको आप पूरे दिन में विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा नैनीताल कवर करना है, साथ में भीमताली भी कवर करना है और कैंचीधाम वगैरह भी जाना है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 3 दिन का टाइम आप लेके चलिए, क्योंकि 1 से 1.5 दिन में तो आप यहाँ पर नैनीताली घूम पाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो कैंचीधाम दर्शन करने जा सकते हैं, और कैंचीधाम में रात को रुकने के बाद सुबह 6 बजे आरती होती है, आरती करने के बाद आप चाहें तो भीमताल वगैरह भी घूमने जा सकते हैं। और अगर आपको अल्मोड़ा वगैरह जाना है तो उसके लिए अलग से रूट जाता है, तो आप उसी हिसाब से अपने टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको नैनीताल की पूरी नाइट लाइफ देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आप मॉल रोड पर घूमेंगे और वहाँ से आप कितनी क्या चीज़ें घूम सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे ही मैंने शुरू में ही बताया था, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर आपको नैनीताल के ब्लॉग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो मेरे उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। साथ में अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।